أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Standardies, attention. Standardies, attention. I invite to not. अंधेरों से कहो दो Thank you.
जनगणमनाधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे सारे जहां से अच्छा हिंदू सुता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदू सुता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदू सुता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा पर्वत वो सबसे ऊंचा हम साया आसमां का पर्वत वो सबसे ऊंचा हम साया आसमां का वो संतरी हमारा वो पासबा हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदू सुता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा गोदी में खेलती है इसकी रजो नदिया गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदिया गुलशन है जिनके दम से रश के जिना हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदू सुता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना हिंदी है हम वतन है हिंदू सुता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदू सुता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्लाह शैतान ने लेकिन बिस्मिल्लाह से रहमान है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअ लहुदी जलाल मजीद करे मना मौलाना मुजो मौलाना से मुतिन बारिक मुहतरम असाजदा मेरे तलबा और मेरे अजीज दोस्त आज हम सब यहाँ आज़ादी के यौम में आज़ादी के 77वां सालगिरह मनाने के लिए जमा है। हम सब जानते हैं कि 1940 के साथ 15 अगस्त को हमें अंग्रेजों के जंजीरों से आज़ादी मिली। इस आज़ादी के लिए हमारे बुजुर्ग हमारे उलमा हमारे आबो आजाद सब बहुत कुर्बानियाँ दिए। हमारे बड़े हजरत असद मंदिर रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह उनके खबर को नूर से मुनव्वर फरमाए हमेशा कहते रहते थे कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए मुसलमानों ने जितने खून बहाया और दूसरे कौम के लोग उतना पसीना भी नहीं बहाया। ये सच है लेकिन मुसलमानों के और आज़ादी के लिए सब कोशिश कर रहे हैं।
सुनानी हाँ हमारे उम्र दिल्ली में फली फली की सजा मारे गए क्यों मारे गए इसीलिए कि मुसलमान जब आगे बढ़ता है तो उसे कोई मदद नहीं रोक सकता। इसी तरह 90 साल जद्दोजहद के बाद इस आज़ादी का फल हमें मिला, लेकिन अब कुछ फिरकापरस्त लोग हमारे बीच में नफरत फैलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमें चाहे कि चौकन्ना रहें और उनके कोशिशों को नाकाम करने की कोशिश करते रहें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इनकी कोशिशों को नाकाम करे और हमेशा हमारे हिंदुस्तान में भाईचारगी अता फरमाए, आपस में इत्तेफाक अता फरमाए। आमीन। अजीज़ तलबा, असाज़ा, ख़वातीन और हज़रात, हमारे ख़ुसूसी मेहमान, हम आज़ादी का ये दिन आज मना रहे हैं। आज़ादी में हमारे मदरसों का सबसे ज़्यादा हिस्सा रहा और जिन लोगों ने आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दिया, जेलों को आबाद किया, जिला वतन किए गए, काले पानी भेजे गए, उसकी अक्सरियत मदरसों की ही पड़ी हुई थी। सही अगर कहा जाए तो मदरसे वालों ने ही अंग्रेज़ों के कदम हिंदुस्तान से उखाड़े थे और उनको यहाँ से अपने मुल्क में वापस जाने पर मजबूर कर दिया था। इन मदरसों की जैसे पहले ज़रूरत थी हिंदुस्तान को, वैसे आज भी इन मदरसों की ज़रूरत है। हिंदुस्तान से एक वफादार, ज़िम्मेदार, अच्छे शहरी हमारे इन्हीं मदरसों से पैदा होते हैं। इन तमाम मदरसों की बुनियाद दारुल देवबंद का मदरसा है, जो बनाया ही गया था इसलिए कि यहाँ के लोग तैयार होंगे और फिर वो आज़ादी की जंग में हिस्सा लेंगे और मुल्क की तामीर और तरक्की में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे और हिंदुस्तान को तरक्की देंगे। एक ऐसी सच्चाई है जिसको पूरी दुनिया तस्लीम करती है, मानती है और वो मदरसे वालों के किरदार से बिल्कुल वाज़े है। लेकिन हमारा मुल्क बहुत बड़ा है, 29 रियासतें हैं, मुल्क में कई दर्जन ज़बानें बोली जाती हैं, कई किस्म के मज़हब हैं, कई तरह की ज़ात पात कौम हैं। उसमें कुछ फ़िरका परस्त लोग ऐसे हैं जो दिन ब दिन मुल्क को कमज़ोर करने के लिए फ़िरका वारियत फैलाते रहते हैं। 70 साल में उन्होंने बड़ी कोशिश किया, बल्कि आज़ादी के पहले से भी वो आज़ादी में रुकावटें डालते रहते थे ताकि महकूमों को, ख़ासतौर से दलितों को, अकलियतों को अपना ग़ुलाम और महकूम और मातहत बना करके रखें, लेकिन उनको खातिर ख़्वाह कामयाबी नहीं मिल सकी। इक़्तदार उनको इस 10 साल से हासिल हो गया है, लेकिन फिर भी वो कामयाब होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में रवादारी, भाईचारा, प्यार मोहब्बत और यहाँ पूरे मुल्क के दिलों में जो ख़ास एक दूसरे के लिए एहतराम और एक दूसरे मज़हब के लिए एहतराम मौजूद है, कि चाहे कोई पंजाब में रहता हो, कोई मणिपुर में रहता हो, कोई आसाम में रहता हो, कोई बंगाल में रहता हो, कोई तमिलनाडु में रहता हो, मगर सब के अंदर एक चीज़ मुश्तरक है कि सब एक कौम के हैं, यानी सबकी कौम हिंदुस्तानी है। और इन्हीं लोगों ने 1947 में जब मुल्क आज़ाद हुआ तो ये अहद लिया था, ये कसम खाया था कि हम भाई भाई की तरह मिल करके इस मुल्क को चलाएंगे। फिर इन्हीं के पूर्वजों ने, इन्हीं के बाप दादों ने, इन्हीं के बुज़ुर्गों ने संविधान बनाया जो 26 जनवरी को नाफिज किया गया। तो हम आज़ाद कौम हैं, किसी के महकूम नहीं हैं। जितनी भी कौमें हिंदुस्तान में बसती हैं सब बराबर हैं, सब भाई भाई हैं, सब आईन और दस्तूर की पाबंद हैं। चाहे कोई कितनी भी कम तादाद में हिंदुस्तान में हो, चाहे उसकी ज़बान कम बोली जाती हो, उसके मज़हब पर अमल करने वाले कम हों, उसके ख़ानदान के रस्म व रिवाज को मानने वाले कम हों, लेकिन बिल्कुल इस बात की गुंजाइश नहीं है कि कोई बड़ा तबका किसी छोटे तबके को निगल जाए या हज़म कर जाए या उसके हकूक़ को तलफ कर दे। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि जमहूरी मुल्क में वही आदमी अपने हकूक़ को हासिल कर सकता है, बल्कि दूसरों को भी हकूक़ दिलवा सकता है जो ताकतवर हो। और ताकतवर होने के लिए तालीम की ज़रूरत है, तंजीम की ज़रूरत है, एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक करने की ज़रूरत है। जमीयतुल्लाह हिंद बार बार ख़ास तौर से मुसलमानों को ये अपील करती है कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, इसलिए कि हमारी कौम दीनी तालीम में भी पीछे है
और दुनियावी तालीम में भी पीछे है, बल्कि अगर कहा जाए तो जानबूझ करके उसको दुनिया की तालीम में पीछे ढकेला गया है। और कई ऐसे मसले उठाए गए हैं जिसकी वजह से मुसलमान दुनिया की तालीम से, पेशावराना तालीम से, सिविल सर्विसेज की तालीम से, हत्ता की कंपलसरी और ज़रूरी तालीम से भी पीछे रहे। मुसलमान बस्तियों में स्कूलों का इंतज़ाम कम किया गया, मुसलमानों के जहाँ जहाँ उनके अपने मादरी जबान उर्दू स्कूल थे उन पर तवज्जो कम की गई, उनकी खाली सीटों को भरा नहीं गया, उनके साथ सौतेला बर्ताव किया गया। यही हाल तकरीबन तमाम शोबे ज़िंदगी में सारी अकलियतों और सारे दलितों के साथ था, पसमादा तबकात के साथ था। इसीलिए 70 साल में जहाँ तक यहाँ की अकलियतों को, यहाँ के पसमादा तबकात को, यहाँ के SC ST और BC को और उन लोगों को जिनको आज़ादी का पूरा फ़ायदा पहुँचना था, जहाँ तक उनको आगे बढ़ना था, एक सोची समझी स्कीम और साजिश के तहत फिरका परस्तों ने उनको आगे नहीं बढ़ने दिया, उनको उनके हकूक नहीं दिया। उन फिरका परस्तों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस मुल्क में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी अक्सरियत जिसको वो अकलियत कहते हैं वो मुसलमान है, क्योंकि मुसलमानों का तनासुब हिंदुस्तान की तमाम रियासतों में खासी मकदार में है। और मुसलमानों की तारीख ये बताती है अगर ये कौम बेदार हो जाए, खड़ी हो जाए, हिम्मत कर ले तो ये ना सिर्फ अपने हकूक की हिफाजत करेगी बल्कि ये हर मजलूम को हक दिलाएगी, उसका सहारा बनेगी और उसकी मदद करेगी। जमीयत उलमा इसी पर खड़ा करना चाहती है सारे मुसलमानों को। सदर मोहतरम अमीरुल हिंद मौलाना सैयद सुबैद अहमद बरकातहू बार बार कहते हैं कि मुसलमान पेट पर पत्थर बांध करके भी अपने बच्चों को पढ़ाए। इसलिए मदरसों की तालीम भी ज़रूरी है, स्कूल की तालीम भी ज़रूरी है। हमारा मदरसा भी चूँकि मुजाहिदीन आज़ादी की एक हसीन यादगार है, इस मदरसे के बनाने वाले, चलाने वाले, सरपरस्ती करने वाले ये वही लोग थे जिनका जंग आज़ादी में बहुत बड़ा हिस्सा था। हमको शहर की म्यूनिसपल्टी ने और शहर के जिम्मेदारों ने और यहाँ के लोगों ने बाकायदा उसका खराज अकीदत पेश किया कि अपने रिकॉर्ड में उन्होंने इस चीज़ को मंजूर किया और इसका तذکرہ किया कि यहाँ पर नेवाला दारुल इमदादिया ये मदरसा इसका जंग आज़ादी में बड़ा हिस्सा था और ये इस शहर के लिए बहुत अजीम एक विरासत है जिस पर तमाम शहर के लोगों को फख्र करना चाहिए, क्योंकि इस मदरसे को हिंदुस्तान की तारीख में ख़ास मकाम हासिल है जो बाद में बनने वाले बहुत से इदारों को, अंजुमनों को और मदरसों को हासिल नहीं हो सकता, क्योंकि वो वक्त बहुत नाजुक वक्त था जब अंग्रेज़ यहाँ हुकूमत करते थे। उस वक्त सेकुलरिज्म की बात करना, गांधीवाद की बात करना, आज़ादी की बात करना, हिंदुस्तानी भी इस मुल्क में हाकिम हो जाएंगे और हिंदुस्तानी अपना मुल्क खुद चलाएंगे ऐसी तजावीज़ रखना, ये अपने कैदोबंद की मशक्क़त को दावत देना था और ऐसा जुर्म था जिस पर लोग फांसियों के तख्ते पर चढ़ा दिए जाते थे, उनके घरों को बिल्डोजर चला फिरा दिया जाता था, उनको चिल्ला वतन कर दिया जाता था, काले पानी भेज दिया जाता था। उस वक्त 1920, 1921, 1930, 1935, 1945, 1946, 1942, 1945, 1947 तक ये मदरसा अपनी आबोताब के साथ चलता रहा और इस शहर के लोग, यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ के अकाबिर जिनका ताल्लुक हाजी इमदादुल्ला महाजिर मक्की से था, जिनका ताल्लुक शेख हिंद से था, जिनका ताल्लुक मौलाना हुसैन अहमद मदनी से था, जिनका ताल्लुक हजरत मौलाना असद मदनी से था, इस शहर के लोगों ने इस मदरसे को अपनी इमदाद से, अपने खून पसीने से और अपनी मेहनत से चलाया, तरक्की दिया, बाकी रखा और आज ये हमारे और आपके हाथों में आया है। हमारा और आपका फ़र्ज बनता है कि हम इस मिशन को, यानी हिंदुस्तान की तामीर और तरक्की के मजबूत करने को, यहाँ के मजलूमों के साथ देने को, यहाँ से फिरका परस्ती के ख़त्म करने को, हर यौम आज़ादी पर अहद करें, वादा करें, अज़्म करें, इरादा करें कि हालात कितने भी ख़राब हों, ज़माना कितना भी बदल जाए, नफ़रतें कितनी भी फैलाई जाएं, लेकिन हम वही पैगाम देंगे जो हमारे अकाबिर ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे दोस्तों ने, इस मदरसे के बानियों ने और चलाने वालों ने हर दौर में दिया है। और इस यकीन के साथ देंगे कि जीत सच की होती है। हमारे हिंदुस्तान का जो सिंबल है, जो इसकी शनाख्त है, जो इसकी पहचान है, चार शेरों वाली तस्वीर, वो अशोक चक्र कहलाती है, जो इत्तेहाद की दावत देती है, जो कुव्वत को जाहिर करती है। अगर तमाम हिंदुस्तानी मिल करके रहें तो उनकी वही मिसाल है कि चारों तरफ से शेर मुंह खोले खड़ा है और बड़े से बड़ी कुव्वत भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हम जितने हमारे पड़ोस के ममालिक हैं सबसे अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, हमारी सरकारों ने, हमारी हुकूमतों ने तमाम पड़ोसी मुल्कों से हमेशा अच्छे ताल्लुकात रखे हैं, लेकिन अब ज़माना ऐसा बदल गया है कि छोटे छोटे ममालिक, हमारे पड़ोस में बसने वाला और हमारे ऊपर मुनज़्ज़र होकर चलने वाला नेपाल जैसा छोटा मुल्क भी हमें आंखें दिखाता है
یہ صرف اس وجہ سے کہ ہمارے اندر فرقہ پرست طاقتوں نے ہندوستانیوں کی قوت کو ختم کر دیا ہے اور ان کو آپس میں ہی ایک دوسرے سے ٹکرا دیا ہے, کہیں اسٹیٹ کے نام پر, کہیں زبان کے نام پر, کہیں مذہب کے نام پر, کہیں اور کسی ایشو پر, اپنی اپنی کرسیاں بچانے کے لیے اور خود سپتہ میں اور اقتدار میں باقی رہنے کے لیے انہوں نے شیر جیسے مضبوط ملک کو کھوکھلا کرنا چاہا ہے. ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس ملک کو مضبوط رکھیں, اپنے بھائی چارہ کو باقی رکھیں, اتحاد کو باقی رکھیں, اور اس کے لیے جو قربانی بھی دینا ہو ہم وہ قربانی دیں اس یقین کے ساتھ کہ جیت سچ کی ہوتی ہے. میں نے جس اشوک چکر کا ذکر کیا ہے اس پہ موٹے لفظوں میں ہر جگہ یہی لکھا ہوا ہے, ست میں ہو چہتے, ست میں ہو چہتے, ست میں ہو چہتے, کہ جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے, جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے. یہ یوم آزادی ہم جس حالت میں منا رہے ہیں, ملک جل رہا ہے. منی پور اس ملک کا ایک اسٹیٹ ہے, ایک ریاست ہے, جس کو 1972 میں ریاست کا درجہ دیا گیا. پہلے یہ سارے علاقے آسام کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. وہاں کی 50% سے زیادہ آبادی متئی قبیلے کی ہے جن کا مذہب ہندو ہے, 40% کی آبادی کوکی قبیلے کی ہے جن کا مذہب عیسائی ہے, 9 یا 10% کی آبادی مسلمان ہے جن کو پنگل بولتے ہیں. وہاں متئی قبیلوں میں اور کوکی قبیلوں میں آج کئی مہینوں سے بدترین قسم کی جنگ چل رہی ہے, جو تعصب حکومت کے اداروں میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے. یہ ملک کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ 70 سال 75 سال گزرنے کے بعد بھی ہمارے ملک میں نسل کی بنیاد پر, رنگ کی بنیاد پر, علاقے کی بنیاد پر, زبان کی بنیاد پر بھائیوں بھائیوں میں جھگڑا ہو اور اتنے دنوں تک چلتا رہے اور حکومت اس پر بے بس ہو جائے اور جواب دینے کی بھی ہمت نہ کرے اور بندوبست نہ کر سکے. ہم دنیا کی عظیم جمہوریہ ہیں, ہمارے پاس بحریہ کی, نیوی کی, فضائیہ کی عظیم فوجیں موجود ہیں. ایسا کوئی خلفشار نہیں ہے جس کو ہمارے ملک کی طاقتیں کنٹرول نہ کر سکے, اور ایسا کوئی شر اور ایسی کوئی سازش نہیں ہے جس کو ہمارے انٹیلیجنس ادارے معلوم کر کے وقت سے پہلے روک نہ سکیں. لیکن یہ ساری فرقہ پرستی اسی سازش کا نتیجہ ہے جن کے دلوں میں یہ بسا ہوا ہے کہ یہاں کی اقلیتیں ہماری محکوم ہیں اور یہاں کی ایس سی ایس ٹی اور بی سی ہمارے محکوم ہیں, جو ہمارے مذہب کے خلاف ہیں ہم ان پر حاکم ہیں اور ہم اکثریت میں ہیں جو یہ دیش ہمارا ہے. ایسا مریض نظریہ, ایسی گندی ذہنیت نہ ہندوستان میں کبھی کامیاب ہوئی ہے اور نہ کبھی کامیاب ہوگی. ہم آج اس یوم آزادی کی سب کو مبارکباد دیتے ہوئے اپنے اس ارادے کو دہراتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی حاکم نہیں ہے, ہم خود ایک آزاد قوم ہیں, ہم کو پورا اختیار ہے, ہم ہی اپنے اوپر حاکم ہیں, ہم ہی نے آئین بنایا ہے اور ہم ہی نے اپنی رضامندی سے اس کو اپنے اوپر نافذ کیا ہے. آئین کی نگاہ میں سب برابر ہے, کسی کا مذہب, کسی کی زبان, کسی کا قوم, کسی کا علاقہ, اس وجہ سے اسے چھوٹا یا بڑا بننے کا فیصلہ نہیں کرتا, بلکہ ایک ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے ہم سب بھائی بھائی ہیں, چاہے ہندو ہوں, چاہے مسلمان ہوں, چاہے سکھ ہوں, چاہے عیسائی ہوں, اور ہمارے آئین میں اتنی تاثیر موجود ہے کہ وہ تمام ہندوستانیوں کو ان کے حقوق دلا سکتا ہے. میں آخر میں یہ بات کہتے ہوئے بھی اپنی بات ختم کروں گا کہ آج ملک کو فرقہ پرستی کے جو بدترین دن دیکھنے پڑ رہے ہیں, اگر لشکر کسی پارٹیوں کا نہ ہوتا فرقہ پرستی کے بارے میں تو ملک کو آج اتنی بڑی قیمت نہ چکانی پڑتی کہ آج ملک میں فسادات مہینوں چلتے ہیں اور سرکار اس پر قابو نہیں پاتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس کی شہ اور سرپرستی اور دلچسپی ہے ان کو کہ ہندوستانی آپس میں لڑتے رہیں, گتھم گتھا ہوتے رہیں اور ہندوستانیوں کا خون بہتا رہے اور ملک کمزور ہوتا رہے. اسی کا نتیجہ ہے کہ پڑوس میں بسنے والے ممالک ہماری زمینیں قبضہ کر رہے ہیں, ہم کو آنکھیں دکھا رہے ہیں اور بین الاقوامی سطح پر ہندوستان کے مفاد کو نقصان پہنچا رہے ہیں. یہ ملک ہمارا ہے, ہم پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ نقصان پہنچانے والے جتنا چاہیں نقصان پہنچانے کی سازش کر لیں, لیکن ہم اپنے عمل سے, اپنے کردار سے, اپنی محنت سے, اپنی حکمت عملی سے اپنے ترنگے کو نہ کمزور ہونے دیں گے, نہ جھکنے دیں گے, نہ ہندوستان کی شان کو کہیں مٹنے دیں گے. جیسے ہمارے آبا اجداد نے اس ملک کی شان کو برقرار رکھا ہے, ہم اس سے بھی آگے بڑھ کے پورے عمل اور حوصلے کے ساتھ اپنی شان کو باقی رکھیں گے. آپ طلبہ ہیں,
तालिबात हैं, हमारे अराकीन शूरा हैं, शहर के अमायदीन हैं। मैंने अपने मदरसे की दो टोक पॉलिसी आप पर वाज़े कर दिया है कि अकाबिर का मदरसा जंग आज़ादी में हिस्सा लेने वालों का मदरसा है, मुल्क की तामीर और तरक्की करने वालों का मदरसा है। हम जिस शहर में बसते हैं अभी शहर के हालात भी तब्दील हो रहे हैं, जिला बन चुका है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बन चुका है, हमारी जिम्मेदारियों में इजाफा हो चुका है। हम जो कुछ इरादा रखते हैं हमारे दिल में मुल्क के लिए जो नेक नियति और हमारे किरदार और अमल में जो जोश है, हम अपने शहर की तामीर और तरक्की में यहाँ के अमन व अमान में आगे बढ़ करके बेलोस खुलूस के साथ हिस्सा लें, इंशाअल्लाह ये शहर आबाद होगा, आबाद रहेगा, तरक्की होगी, यहाँ बसने वालों के दिलों में प्यार और मोहब्बत पैदा होगा और पूरे हिंदुस्तान की प्यार और मोहब्बत के लिए इंशाअल्लाह यह शहर एक नमूना बनेगा और अमन व अमान के लिए शहर एक मिसाल बनेगा। अल्लाह ताला इसको नजरबद से बचाए, इन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। जो लोग हमारे शहर की तामीर और तरक्की में, मदरसे की तामीर और तरक्की में, मुल्क की तामीर और तरक्की में हिस्सा ले रहे हैं, अल्लाह ताला उनको अजर अता फरमाए। और जो लोग भी फिरका परस्त ताकतें इस मुल्क को जिस मौके पर जहां से नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, अल्लाह ताला उनको नेक समझ अता फरमाए, उनके दिलों को भी अल्लाह ताला बदल दे ताकि वो इंसानों का एहतराम करें, इंसानियत का एहतराम करें और अपने भाइयों का एहतराम करें। आमीन व आखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब मैं मौलाना मसूद आलम साहब से दरख्वास्त करूंगा कि मुख्तसर सी दुआ फरमा दें। ربنا لا نكون من الخاسرين. اللهم ارحمنا اللهم ہم لوگوں کے مل جل کے کھڑے ہونے کو قبول فرما. حضرت مفتی صاحب دامت برکات انہوں نے جتنی دعائیں کی ہیں اے اللہ سب کو قبول فرما، اے اللہ سب کو قبول فرما، اے لوگ پیار و محبت عطا فرما، اے اللہ آپس میں اتحاد اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ملک میں رہنے والے تمام لوگوں کے دل کو یکجا عطا فرما، سب کو مل کر رہنے کی توفیق عطا فرما، فسادات سے حفاظت فرما، اے اللہ جو ان فسادات میں مسلمان شہید ہو گئے، اے اللہ انہیں جنت الفردوس میں جلال عطا فرما، اے اللہ ہمارے جائز مقاصد کو پورے فرما، اے اللہ ہماری دعا کو مانگ اپنے فضل و کرم سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.